स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ जी टांडा पेट में, और यहाँ पे जी ना 70 ईयर्स ओल्ड कप पे लगाते हैं तरी पोहा और आलू बुंडा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है, और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं हम कैसा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो क्या बन रहे अपने ये आलू बुंडे? आलू बुंडा बना रहे हैं। आलू बुंडे बना रहे हो? हाँ। तो आलू आलू मैरिनेट घर से ही करके आ गए थे? घर से बना के लाते हैं। अच्छा, घर से बना के लाते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए। और फिर यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्या बेसन में डाल दिया आपने आलू? बेसन में डाल दिया। बेसन में मसाला तैयार हो गया। हाँ, डाल दिया। क्या बात है। ये अपने बन रहे जी आलू बुंडे। और ये पोहे का मसाला। अच्छा जी, अच्छा जी, ये पोहे का मसाला है। इसके बाद पोहे बनेंगे अपने। थोड़ा सा डाल दिया। हाँ, नमक हल्दी डाल दिया। अच्छा, नमक हल्दी पहले ही डाल दिया फिर, ताकि जल्दी बन जाए, कस्टमर जाए नहीं। ये गए जी, ये देखो भाई, ये कितनी देर में फ्राई हो जाते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट में पूरे बन के रेडी। तो ये बन के रेडी है। ये देखो भाई, डाल दो ना, ये प्लेट में डाल रहे हैं। क्या प्राइस है आंटी इसका? इसका रेट क्या है? 15 रुपए। 15 रुपए का एक वड़ा है? 15 रुपए में 2 वड़े? अरे, अच्छा, कोई लेता ही नहीं? 10 रुपए। अच्छा जी, 20 रुपए भी नहीं लेते। अच्छा जी, देखो भाई, 15 रुपए में 2 वड़े। ये देखो, तो ये बन रहे भाई अपने पोहे। आंटी जी पोहे बना रही है। आंटी जी आप कितने साल के हो? 59। 60 और 8। 68 ईयर्स के। क्या बात है, 68 ईयर्स की। और आंटी अभी भी काम कर रही है, मतलब देखो डेडिकेशन देखो इनकी। लोग मतलब 60 साल में काम करना छोड़ देते हैं, और आप अभी तक काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हो? हाँ, तो खिलाने वाले कोई नहीं आपके ये घर में? कौन कौन है? घर में हम दोनों ही हैं। आप दोनों ही हो? हाँ। अच्छा जी, लड़की अपने घर चली गई। अच्छा, लड़की अपने घर चली गई। पांच लड़की। अच्छा, तो मिलने मिलने आते हैं ना? आते बच्चे पर अपने जब तक होता तो। अच्छा, मतलब अपने दम पे करना है सब? अच्छा जी, तो ये क्या डल गया जी? हल्दी। हल्दी डल गई। और ये जो आलू का मसाला था वो घर से ही बना के लाए थे आप अपना? अच्छा जी, ये क्या डाल रहे? नमक। ये डाल गया जी नमक। नमक और हल्दी डाल गई। और अभी ये क्या है? पोहे। ये भीगे हुए पोहे अपने? हाँ हाँ, ये अपने पोहे एकदम। ये देखो भाई, अभी ये हो रहे हैं मिक्स। मतलब नागपुर में भी ऐसे लोग हैं, मतलब 60 साल के बाद भी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। आंटी एकदम प्यार से बना रही है पोहे अपने लिए। ये देखो, सवेरे 4 बजे उठ के पूरा तैयार करना पड़ता है। आलू 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 का मसाला, पोहे का। अच्छा जी, इसका। और फिर आप आते कितने बजे हो यहाँ पे? 6:30-7 यहाँ आ जाते हो? और कब तक है अपना टाइमिंग? 1 बजे तक।
एक से डेढ़ बजे तक, क्या बात है। ये देखो भाई पोहे में बढ़िया कलर आ गया, ये बन गए पोहे। ये देखो भाई पोहे बन भी गए, मतलब यहाँ पे आऊंगे तो मतलब देर भी नहीं हुई होंगी, दो मिनट में मस्त पोहे गर्मा गर्म रेडी हो जाते, थोड़ा थोड़ा बनाते जाते, क्या बात है जी। चलो अब आपको दिखाते हैं, अंकल सर्व करते हैं ना ये, अभी अंकल चूड़ा उड़ा डाल के तरी वरी डाल के देंगे। ये बस लग रहे हैं भाई पोहे। अंकल आप कितने साल के हो? कितने? सत्तर। सत्तर साल के अंकल भी, मतलब अंकल भी आंटी को मदद करते हैं पोहे बनाने में। ये देखो भाई पोहे के ऊपर चूड़ा डाल दिया है और ये डाल रही है जी इनकी तरी। गर्मा गर्म तरी बढ़िया डाल रही है और ऊपर से थोड़ा सा सेब आ गया और ये प्याज। देखो भाई ये एक प्लेट बन के रेडी है। हाँ हाँ रख दीजिए। और ये ऊपर से गई जी तरी। और ये गया सेव। तो ये देखो भाई ये अपने पोहे एकदम बन के रेडी है, अभी इसको टेस्ट करके बताते हैं। आंटी ने बड़े प्यार से बनाए ऐसे। देखो भाई ये ले लिया पोहा बढ़िया गर्मा गर्म। जबरदस्त एकदम स्पाइसी है और नागपुर में लोगों को यही चाहिए, मतलब और 10 रुपए के और क्या ही चाहिए। भैया यहाँ की लोकेशन बता दो एक बार किसी को यहाँ पे आना है तो। एड्रेस हाँ टांडा पेट पंडित नेहरू कॉन्वेंट, ये आपको दिख रहा है पंडित नेहरू कॉन्वेंट प्रकाश पान सेंटर के अपोजिट।